सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ की न्यूज के बारे में। कंपनी का नाम है AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कंपनी के आईपीओ से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में अवेलेबल जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कंपनी है, इसने अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करने के लिए सेबी को DRHP सबमिट कर दिया है। आपको बता दें कि DRHP का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करना चाहती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि उसे सेबी को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट सबमिट करना होता है। इसमें कंपनी की सारी जानकारी जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी कितने हजार करोड़ का आईपीओ लाना चाहती है और वो तमाम जानकारी जो कि एक आईपीओ लाने के लिए जरूरी होती है, इसमें रखी जाती है। और सेबी इस जानकारी को वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन के बाद ही कहीं जाकर कोई आईपीओ मार्केट में ओपन हो पाता है अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, इस कंपनी ने DRHP तो सबमिट कर दिया है। अगर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पर कंपनी के प्रमोटर के बारे में जानकारी आपको मिलेगी और कंपनी के जो शेयर का फेस वैल्यू होगा वो 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर रखा गया है। अब देखिए, बात आती है कि जो आईपीओ होगा उसका साइज क्या होगा, कितना बड़ा ये आईपीओ आ सकता है, कितने हजार करोड़ का हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आईपीओ आने वाला है वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल के जरिए आने वाला है, यानी कि जो पुराने शेयर होल्डर या प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर बेचकर यहां से बाहर निकलेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो देखिए, अगर टोटल साइज की बात करें तो 8,000 मिलियन का ये आईपीओ होने वाला है। अगर इस प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बात करें, यानी कि अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो ये करीब 800 करोड़ का आईपीओ आपके लिए आने वाला है। देखिए, ये मीडियम रेंज का आईपीओ है। बड़े आईपीओ होते हैं वो 1,000 करोड़ से ऊपर के आईपीओ होते हैं और जो छोटे लेवल के आईपीओ होते हैं उनको 500 करोड़ से नीचे का आईपीओ जब होता है तो हम छोटे लेवल का बोलते हैं। ये जो है मीडियम रेंज का आईपीओ है और मीडियम कॉस्ट का आईपीओ है। यहाँ पर 8,000 मिलियन यानी 800 करोड़ का ये आईपीओ आपके लिए आने वाला है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए, आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर कौन कौन अपने शेयर बेच रहे हैं। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर स्क्रॉल करें तो और भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर देखिए डेट्स का कॉलम भी आपको मिलेगा, लेकिन डेट्स यहाँ पर नहीं मिलेंगी क्योंकि डेट्स तभी आती हैं जब किसी आईपीओ को वेरिफिकेशन हो जाता है, सेबी अप्रूवल दे देता है। अब देखिए, बात आती है कि ये आईपीओ कब तक मार्केट में ओपन हो सकता है अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई आईपीओ या कंपनी DRHP सबमिट करते हैं तो 2 से 3 महीने का मिनिमम वक्त लगता है वेरिफिकेशन में, उसके बाद कहीं जाकर आईपीओ मार्केट में ओपन होता है। तो देखिए, अभी इसने DRHP सबमिट किया है, यानी कि आप सोच सकते हैं नवंबर दिसंबर के आसपास इसको अप्रूवल मिलेगा और आप ये कह सकते हैं कि मार्च यानी इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ये आईपीओ आपको मार्केट में आता हुआ नजर आएगा और आपको कमाई का एक और नया मौका देगा। तो देखिए, बहुत सारे आईपीओज हैं, करीबन 30-35 आईपीओज ने कंपनीज ने अपना DRHP सबमिट किया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में काफी ज्यादा आईपीओज का दबदबा रहा भी है और रहने भी वाला है, तो आप एकदम तैयार रहें। नए निवेशकों के लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर चांसेस है। अब देखिए, इस DRHP में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया गया है, करीब 445 पन्नों का ये है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, मैं उसमें इसकी PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।